बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जयपुर में बहुत ऐतिहासिक दिन है, जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, नेशनल कन्वीनर और देश की राजनीति को नई दिशा और दशा देने वाले मुख्यमंत्री दिल्ली श्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी गारंटियां देने आए हैं। आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, आप लोग का जुनून, उत्साह, जज्बा देखकर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आप लोग घर से जब एक कदम बाहर निकले इस कार्यक्रम के लिए, वो असल में एक कदम नहीं था, वो इनकलाब के लिए और राजस्थान की भलाई के लिए वो उठाया हुआ कदम था। सबको मेरी नमस्ते, सत श्री अकाल। हमारे बीच राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी बैठे हैं, हमारे वॉलंटियर्स बैठे हैं, रीढ़ की हड्डी होते हैं जो किसी भी पार्टी की। आज का दिन आप लोग इस बात के लिए चश्मदीद गवाह हो कि अरविंद केजरीवाल वादे नहीं करता, वो गारंटी देता है। वादे तो करके मुकर जाते हैं लोग, गारंटी पूरी होती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से गंगा उल्टी चल नहीं सकती, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की दी हुई गारंटी बदल नहीं सकती। ये घर पे ले जाइएगा, संभाल के रखिएगा इसको। ये वो गारंटियां हैं जो ऐसी गारंटियां हैं जो ऐसे हवा में नहीं फेंकते हम। ये गारंटियां दिल्ली और पंजाब में पूरी करके आपके बीच में आए हैं भाई साहब। हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वही लिखते हैं, वही लिखते हैं जो कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे तो याद ही है, शिक्षा गारंटी सबसे पहली। दिल्ली में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, पूरे देश में था, तो अफसर आए अरविंद केजरीवाल जी को, बोले इनको प्राइवेट में मर्ज कर देते हैं, ये तो जी अब खंडर बन गए हैं। तो केजरीवाल साहब ने मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलकर फैसला किया कि नहीं, इन्हीं को ठीक करना है। और आज की डेट में दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे हैं, बिल्डिंग में भी और रिजल्ट में भी और पढ़ाई में भी। कैसा कारनामा किया, कैसा कमाल किया अरविंद केजरीवाल ने। मुझे भी देखने का मौका मिला स्कूल को, मैं मेंबर पार्लियामेंट था उस समय, एमपी था, तो दिल्ली जाता रहता था, तो मुझे भी एक स्कूल में जाने का मौका मिला। सबसे अच्छी बात जो लू कंडे खड़े करने वाली बात होती है ना, वो दिल को बड़ी अच्छी लगी कि दिल्ली के स्कूल में एक जज का बेटा, एक डीसी का बेटा और एक झुग्गी झोपड़ी वाले का बेटा एक ही बेंच पर बैठकर एक ही किताब पढ़ रहे थे। वरना क्या होता है भाई साहब, बड़े अमीरों के स्कूल आ रहे हैं, उनके टीचर आ रहे हैं, उनके उनकी किताबें और हैं, गरीबों की किताबें और हैं, गरीबों के लिए स्कूल और टीचर और हैं। वो तो लाइन में, बेरोजगारी की लाइन में लगने के लिए पढ़ते हैं बस। आपने कभी किसी नेता का बेटा बेरोजगार देखा है कि नेता बहुत बड़ा है पर उसका बेटा बेरोजगार है? नहीं होता भाई साहब। शिक्षा की गारंटी हमने पंजाब में लागू की, पंजाब में अभी रिजल्ट आए हैं, क्योंकि मार्च में हमारी सरकार बनी थी तो मार्च से ही सेमेस्टर शुरू होता है। पंजाब में अभी रिजल्ट आए हैं, पांचवी से लेके आठवीं बोर्ड है, पांचवी बोर्ड है, आठवीं बोर्ड है, दसवीं बोर्ड है, ग्यारहवीं बारहवीं सभी क्लासों में सरकारी स्कूलों के आम घरों के बेटे बेटियां पहले नंबर पर आए हैं, फर्स्ट आए हैं। और कितने नंबर लिए, तीन लड़कियां फर्स्ट आई आठवीं क्लास में से, तीन लड़कियां
प्राइवेट स्कूल की नहीं, दो दो सरकारी स्कूल की, दोनों बच्चियों के नंबर 600 में से 600। और हम लोगों ने उन तीनों बच्चियों को घर पे बुलाया, 50-50 हजार रुपया नगद इनाम दिया उनको। अब जो भी 8वीं 10वीं 12वीं में फर्स्ट आता है, पैसे हम हौसला बढ़ाते हैं उनका। यह शिक्षा गारंटी है भाई साहब। इधर साथ में ही है जो हमारी हद भी लगती है पंजाब की, ये हनुमानगढ़, गंगानगर, संगरिया, पीलीबंगा, ये सब पंजाब के साथ लगता है। अबोहर का इलाका हमारा, फाजिलका का इलाका, आप दोस्त मित्र भी होंगे आपके, यहाँ भी पंजाब से बहुत से लोग बैठे हैं भाई साहब, उनसे उनके से बात कर लेना कि है ये सच बोल रहे हैं या नहीं। हम लोग वो बात बोलते ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। हम जुमले वाले नहीं हैं, हम तो जुमले नहीं हम सुनाते। दूसरी गारंटी है स्वास्थ्य की। दिल्ली में जगह की कमी है, फिर भी छोटी सी जगह पे ऐसे कमाल के मोहल्ला क्लिनिक बनाए केजरीवाल साहब ने, और लोगों को पहली बार ये महसूस हुआ कि बड़े अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, ये तो यहीं पे इलाज हो जाएगा। और स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों को देखने के लिए बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष, उनके परिवार के मेंबर कह रहे हैं हमें दिखा दो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली के स्कूल। तो देख के भी जाते हैं, वो हर रोज देख के जाते हैं। पंजाब में हमने, दिल्ली में इन्होंने तजर्बा किया, टाइम बहुत लग गया क्योंकि दिल्ली में काम नहीं करने देते ना, दिल्ली में खुल के काम नहीं करने देते, तो इसीलिए थोड़ा उन्होंने अड़चने लगाई। फिर भी इन्होंने पहले 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में टाइम लग गया इनको, तीन चार साल लग गए पंजाब में, क्योंकि हमने इनके वाला तजर्बा इस्तेमाल किया। पंजाब में हमने पहले साल में ही अब 650 हमारे पास आम आदमी क्लिनिक बना रहा। 40 किस्म के टेस्ट होते हैं, 90 किस्म की दवाइयां वहीं मिलती हैं। अब तक 47 लाख से ज्यादा लोग उन आम आदमी क्लिनिकों में से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं भाई साहब। शानदार बिल्डिंग है और नए डॉक्टरों को काम मिल रहा है, नर्सों को काम मिल रहा है, फार्मासिस्ट, रिसेप्शनिस्ट सब रखे हैं। अरे नीयत साफ हो तो सब कुछ हो सकता है। ये दो गारंटियां हो गई। तीसरी सबसे बड़ी गारंटी भाई साहब पंजाब में, बिजली की गारंटी। हमने कहा कि हम बिजली फ्री कर देंगे, इलेक्शन से पहले हमने गारंटी दी कि बिजली फ्री कर देंगे, तो विरोधी पार्टियों वालों ने कहा पैसा कहां से आएगा, कह रहे हैं बिजली फ्री कर देंगे, पैसा कहां से आएगा। भाई साहब हमने उनको बताया नहीं कि कहां से आएगा, क्योंकि हमको ये पता था कि इन्हीं में से आएगा। तो हमने भ्रष्टाचारी पकड़ना शुरू किए। भाई साहब इतना पैसा मिला है उनके घरों से, नोट गिनने वाली मशीनें भी उनके घरों से मिली हैं। अब उन्हीं में से जो पैसा आ रहा है उसी से चल रहा है। बिजली 1 जुलाई से फ्री है, पिछली 1 जुलाई से, अभी 12-14 महीने हो गए बिजली फ्री है। 90% पंजाब को जीरो बिल आता है भाई साहब। 300 यूनिट पर मंथ फ्री है, 600 यूनिट का कैप बन जाता है, 2 महीने बाद बिल आता है। 600 यूनिट अगर आपका, इसमें हमने वो भी नहीं रखा कि पीला कार्ड होना चाहिए या आपके पास नीला कार्ड होना चाहिए, ना, चाहे आपके घर पे 4 AC भी लगे हुए हैं लेकिन आपके घर का मीटर 600 यूनिट से नीचे है तो आपका बिल माफ हो जाएगा, सबका बिल माफ हो जाएगा। और पंजाब में हमने क्या किया, बिजली कहां से आई हमारे पास, 2015 से झारखंड में पछवाड़ा एक जगह है, वहां एक कोयले की खान थी पंजाब की, वो बंद पड़ी थी क्योंकि इससे पहले वाले पिछली सरकारों वाले कमीशन खाते थे, महंगा कोला कहीं और से लेते थे, अपनी कोयले की खान नहीं चलाते थे कि हम उधर से ले लेंगे, ये नहीं चलाएंगे। भाई साहब हमने आते ही उसका शुरू किया काम, मार्च में सरकार बनी, अक्टूबर में पहली ट्रेन भर के उस खान से हमारे थर्मल प्लांटों में पहुंच गई। अब हमारे पास बिजली बिजली है, बिजली बिजली। और तीसरा देखो, आमतौर पे क्या होता है, सरकार आती है और सरकार सरकारी संस्थाओं को, सरकारी जो बिल्डिंगें हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, सरकारी बसें हैं, सरकारी जिस नाम पे भी सरकारी लग गया उसको घाटे में दिखाकर अपने प्राइवेट मित्रों को बेच देते हैं, जैसे मोदी जी कर रहे हैं ना।
अपने प्राइवेट मित्रों को बेच देते हैं जी, घाटे में है, LIC घाटे में बेच दो, एयरपोर्ट घाटे में इनको बेच दो, रेल घाटे में इसको बेच दो, तेल घाटे में इसको बेच दो। भाई साहब आम आदमी पार्टी है ये किसी और मिट्टी की बनी हुई है। पंजाब में हमने एक प्राइवेट थर्मल प्लांट, वो कह रहे हमसे चल नहीं रहा, आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार उसको खरीदने जा रही है कि हम चलाएंगे इसको। ये उल्टा काम है ना, नीयत साफ हो तो बिजली की गारंटी, शिक्षा की गारंटी होगी, शहीद सम्मान राशि। भाई साहब ये बॉर्डर है आपका, पंजाब से 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है आपका, हमारा 532 किलोमीटर बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ और आपका 2.5 गुना बड़ा बॉर्डर है। जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ बॉर्डर पे हमारे जवान तैनात हैं, वो कारगिल में हमारे जवान तैनात हैं। जब हम अपने परिवार के साथ AC में सो रहे होते हैं तो हमारे जवान उस समय +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर के टीलों में, हनुमानगढ़ लोंगेवाला के टीलों पर हमारे जवान हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, और जब हम हीटर लगाकर बच्चों के साथ सो रहे होते हैं सर्दी में, वो कारगिल की पहाड़ियों में -30 डिग्री में हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, उनको सम्मान मिलना नहीं चाहिए क्या? आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से शुरू किया, पंजाब में हम निभा रहे हैं उसी बात को। अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान शहीद होता है देश के रक्षा के लिए, उसके परिवार को उसके भोग से पहले, उसका जो क्रियाक्रम है उससे पहले 1 करोड़ रुपए का चेक मिलता है। भाई साहब यह सम्मान राशि है, हम उस शहीद की कोई शहीदी का कोई मोल नहीं होता, हम उसकी जान वापस नहीं लेके आ सकते, लेकिन कम से कम परिवार कबीलदारी, उसकी परिवार की आर्थिक स्थिति तो ऐसी रहे कि बच्चों को पढ़ा लें, कमाने वाला चला गया। इससे पहले क्या करते थे ये हमारे देश के बारिश क्या करते थे, शहीद की विधवा को सिलाई मशीन, बस क्या मजाक करते हैं यार ये लोग। अरे वो देश बचा रहे हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए, उनकी विधवा के लिए सिलाई मशीन। तो अरविंद केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपया शुरू किया, हमने, हम भी कर रहे हैं, हमने तो एक और भी उसमें ऐड कर दिया। आर्मी जो है, जो एक्सीडेंट हो जाता है कई बार, जैसे हमारे जवान जो हैं वो बर्फ पे जा रहे थे, गश्त कर रहे थे, बर्फ का तूफान आ गया, नीचे दब गए, उसमें से 5 जो हैं वो मारे गए, आर्मी उनको शहीद नहीं मानती, लेकिन हमने कहा कि कोई पिकनिक मनाने थोड़ी गए थे, देश की रक्षा ही कर रहे थे, हम तो शहीद मान के 1 करोड़ रुपया देंगे उनको। अभी 9 जवान मरे हैं अरविंद जी, वो ट्रक एक खाई में गिर गया था, 9 जवान मरे हैं देश के, 2 पंजाब के थे, बाकी और स्टेट के थे। हमने उन दोनों के घर में खुद जाकर मैंने 1 करोड़ रुपए का चेक दिखाया है। ये हमारी शहीदों के लिए सम्मान की गारंटी है। राजस्थान का कोई पुलिस वाला, राजस्थान का कोई जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाए तो उसको 1 करोड़ रुपया उसके परिवार को सम्मान राशि मिली। दूसरा आगे आ जाएं, यह है भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की गारंटी। यह सबसे बड़ी बात है भाई साहब, किसी भी दफ्तर में जाओगे सबसे पहले ये वाला काम होता है भाई साहब, नहीं तो बुधवार को आना, वीरवार को आना, बुधवार को आना, वीरवार को आना, वो बुधवार वीरवार आते ही नहीं जितनी देर नोट नहीं उस फाइल में पकड़ा दिए जाते। भाई साहब हमने एक तरीका निकाला, आते ही सबसे पहला फैसला किया पंजाब में, एक व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया एंटी करप्शन मूवमेंट चला के, कि एक व्हाट्सएप नंबर है, जब आप दफ्तरों में जाओगे पंजाब में, कोई बाबू आपसे रिश्वत मांगे, किसी काम को करने की कमीशन मांगे, मना मत करना, अपनी जेब में हाथ डालना, नोट नहीं निकालना, फोन निकालना, थोड़ी सी वीडियो बना के या फोटो खींच के हमको भेज देना, उसके बाद हमारा काम है उसको जेल में डालना। 400 बंदा जेल में अभी, 400, हर रोज 2-3 की एवरेज है भाई साहब, अब कम हो रहे हैं क्योंकि डर गए। कैसे कैसे तरीके इनके, लाजवाब तरीके लूटने के। अरविंद जी एक तहसीलदार पकड़ा हमने, उसके बारे में हमें पता चल गया वो पैसे ले रहा लेता है,
हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए, कोई पैसा नहीं लिया उसने। दो दिन तीन दिन देखा, कोई पैसा नहीं लिया। हमने चेक किया, यार पैसे कब लेता है? कहते जी लेता है। तो हमने चेक किया, यार तो लेता नहीं। फिर हमने उसके घर पे कैमरा लगाया कि शायद ये घर पे ना बुलाता हो सबको, घर पे भी कोई नहीं आया जी। बड़ा हो गया यार, क्या करें यार, पैसे तो लेता है, पकड़े कैसे इसको। तो हमें थोड़ा सा शक हुआ, असल में वो क्या करता था, वो जिस रजिस्ट्री के लिए उसको पैसे नहीं मिले होते थे उसकी चार लाइनें पढ़कर ही कह देता ये रजिस्ट्री नहीं हो सकती, वापस कर देता था। और कह रहा, साथ में उसका आदमी खड़ा होता था, वो कहता था फलां फलां वसीका नवीस के पास जाओ, वो लिखता है असली रजिस्ट्री। वो वसीका नवीस के पास जाता था, वो कहता था गलत लिखवा रखी है, सही करनी है, ठीक है, नहीं तो हो नहीं सकेगी, इतने पैसे लगेंगे। वो पैसे ले लेता था और उसके बाद वो रजिस्ट्री लिखता था ना, पहली चार लाइनों में ही ये भी लिख देता था कि पैसे ले लिए। हाँ, बकबा बा रकबा बा हकूम बा रकम बा वसूल। तब जाके पकड़ा भाई साहब उसको, वसीका ने भी इसको भी पकड़ा। हमें तो पता ही नहीं चलने देते, कैसे कैसे तरीके निकाल रखे इन्होंने करप्शन करने के। तो राजस्थान को भी भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा दिल्ली और पंजाब की। बाकी कर्मचारियों के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए गारंटी, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल पंजाब है। हमारे पंजाब में कर्मचारी सरकारी नौकरी तो दी नहीं गई, कॉन्ट्रैक्ट पे जा कच्चे, बस वो धरने लगाते थे, टैंकियों पर चढ़ते थे, कोई उनको तनख्वाह 5,000, 6,000, 7,000 रुपया तनख्वाह, कच्चे अध्यापक। हमने कहा यार कच्चे तो घरों का रिवाज भी खत्म हो गया, अध्यापक कच्चे क्या होते हैं। हमने 12,710 अध्यापकों को उनके नाम के आगे से कच्चा शब्द हटाकर उनकी तनख्वाहों में 3-3 गुना वृद्धि करके 58 साल की उम्र तक उनको कोई हटा नहीं सकेगा। और हर साल उनकी पेंशन भी, अपना तनख्वाह भी बढ़ेगी और भत्ते भी मिलेंगे। और 35,000 मुलाजम हैं हम, अब तक 28,000 से ज्यादा को हम पक्के कर चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, अब वो सरकार का हिस्सा है, सरकार के लिए काम करते। और खुशी की बात यह है, आने वाले दो दिनों में 8 तारीख को और 9 तारीख को हम 600 से ज्यादा, 700 के लगभग, 700 के लगभग पटवारी और 560 पुलिस में सब इंस्पेक्टर, 8 तारीख को पटवारी, 9 तारीख को पुलिस के सब इंस्पेक्टर, ये इसी 3 दिनों में 1200 से ज्यादा नौकरियां इन 3 दिनों में हम देंगे अगले आने वाले 3 दिन। और एक आदमी मुझे मिला, मैं कहीं गांव में गया, वो दूध का काम करता था, दूध बेचने का काम करता था। उसने कहा जी मैं एक बात आपको बतानी चाहता हूं। मैंने कहा क्या? कहते जी मैं दूध बेचने का काम करता हूं, मेरे जो ग्राहक हैं वो कभी 3 महीने में मेरे पैसे देते थे, कभी 4 महीने में पैसे देते थे। अचानक क्या हुआ कि वो जब आपकी सरकार आई उससे कुछ महीने बाद वो हर महीने पैसे देने लगे मुझे दूध के। मैंने कहा भी आप तो 3-3 महीने मेरे पैसे नहीं देते थे, अब हर महीने पैसे कैसे देते हो? वो कहते जी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली का बिल 0 कर दिया, हमें 5-7 हजार रुपया महीना बिल आता था, वो बचने लगा है, हम लोग आपका पैसा देने लगे। जो कहां कहां तक ये पैसा काम आता है भाई साहब। तो कर्मचारियों के लिए खास गारंटी कि उनको पक्का भी करेंगे, तनख्वाहें भी बढ़ाएंगे और सरकार में उनकी उन्नति तरक्की भी होगी। अभी हम रोज पंजाब में हर महीने में 3-4 बार मुझे जाना पड़ता है नियुक्ति पत्र बांटने के लिए, कभी कभी किसी डिपार्टमेंट के। कभी एक लड़का आया, वो कह रहा जी इसी सरकार में इसी साल में ये मेरी 3री नौकरी है। मैंने कहा भी 3 नौकरियां कैसे? वो उन्होंने बताया अफसरों ने कि जी पहले इसने क्लर्क का एग्जाम दिया, उसमें मेरिट में आ गया तो ये क्लर्क बन गया, आपसे आपके हाथों से क्लर्क का इसने नियुक्ति पत्र लिया था। उसके बाद इसने पढ़ाई की, हेड क्लर्क का पेपर दिया, वो भी पास कर गया, आपके हाथों से ये हेड क्लर्क का ले गया था। उसके बाद इसने पढ़ाई की, अब ये एसडीओ बन गया, बिजली बोर्ड के में लगेगा, आज एसडीओ का नियुक्ति पत्र लेने आया है। एक साल में 3-3 मौके मिल रहे हैं भाई साहब, जहां 70 साल में एक भी नहीं मिलता था। तो ये गारंटी तो हमारी, हम काम करके आए हैं दिल्ली में,
दिल्ली में लाखों 10 से 12 लाख युवाओं को नौकरी जड़ी है, उसका प्रबंध किया रोजगार का अरविंद केजरीवाल जी ने। हालांकि इतनी रिचने एल जी ये वो करता है, केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। सो इन पर यकीन मत करना, जो ये खास तौर पे ये बीजेपी वाले ये जुमलेबाज हैं, नए नए जुमले बनाते हैं भाई साहब। अभी मुझे पता चला है कि जो हॉस्टल हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटियों के, जहां बच्चे रहते हैं पढ़ाई करने वाले हमारे युवा, हॉस्टल की फीस पर भी 12% जीएसटी लगाने जा रहे हैं। हॉस्टल की फीस पर 12% जीएसटी, इसका मतलब कभी भी बोल सकते हैं मोदी जी एक नारा कि ना खुद पढ़े हैं ना किसी को पढ़ने देंगे। ना पढ़े हैं ना किसी को पढ़ने देंगे भाई साहब। कभी खुद हॉस्टल में रहे हो तो पता चले, अब चौथी क्लास में तो होता नहीं हॉस्टल के, कैसे खर्चे पूरे होते हैं, कैसे फीसों के खर्चे पूरे होते हैं, कैसे मेस का बिल देते हैं, कभी रहे हो तो पता चले। तो ये भाई साहब हर रोज, मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, सामने बैठे थे मेरे सामने, मैंने कहा 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है, हर बात ही झुमला निकली, अब तो ये भी शक है क्या चाय बनानी आती है। मुझे नहीं लगता चाय भी बनानी आती होगी, क्योंकि वो स्टेशन ही नहीं था वो तब उस समय। हद है यार, हद है, किसी बात पे तो आ जाओ, कोई तो सच बोल दो देश को। जो आता है बीजेपी वाला झुमले, बीजेपी वालों के साथ पता कितना लोगों ने अब विश्वास कर लिया है, इस बात का बीजेपी पर विश्वास कर लिया, ये झूठ ही बोल रहे होंगे। बीजेपी कुछ बड़े नेता दिल्ली से जा रहे थे शिमला के लिए कि शिमला घूम के आएंगे, गनमैन साथ में नहीं लेंगे, सिक्योरिटी सड़क पे लगाएंगे सिविल में। कितना अडॉप्ट कर लिया लोगों ने कि ये बीजेपी वाले झूठी बोलते हैं। बस में निकले अंबाला के बाद पंजाब में एंटर हुए, बस से गड्ढे में पलट गई, वहां कोई किसान काम कर रहा था खेतों में, उसने बस के ऊपर मिट्टी डाल दी, तो सिक्योरिटी को चिंता हुई कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बस नहीं पहुंची, सर्च करना शुरू किया, उसी किसान से पूछा भाई साहब इस कलर की और इस नंबर की एक बस थी देखी, कहता हाँ, कहाँ गई, कहता इस गड्ढे में पलट गई थी, कहता अब कहाँ गई, कहता मैंने ऊपर मिट्टी डाल दी, कहता इसका मतलब उसमें सभी जो नेता सवार थे सब मर गए थे, वो कह रहा सभी नहीं मरे थे, अभी 20-25 चिल्ला रहे थे हम अभी जिंदा हैं हमें बाहर निकालो, मैंने सोचा बीजेपी वाले हैं झूठ ही बोल रहे होंगे मिट्टी डालो। ये लोग ये भी यकीन नहीं करते कि ये जिंदा होंगे, ये झूठ बोल रहे होंगे, ये इतने झूठ बोले इन्होंने भाई साहब। यही फर्क है आम आदमी पार्टी में और उनकी पार्टी में, हम लोग जो बोलते हैं भाई साहब सच बोलते हैं और करके दिखाते हैं। हमें हमारे नेशनल कन्वीनर ने बोला हुआ है, भगवंत 5 वादे करके 4 पूरे करोगे लोग कहेंगे अभी कमी रहती है, 4 करके 5 पूरे कर दोगे लोग कहते ये तो सोचा भी नहीं था यार, उससे भी ज्यादा कर दो। तो पैसा कहां से आएगा, ये वो ये सब पता है, इनकम टैक्स के कमिश्नर रिटायर हुए हैं भाई साहब, अरविंद जी इनकम टैक्स के कमिश्नर रिटायर नहीं हुए, नौकरी छोड़ी है, मतलब इनको पता है पैसा किधर से आता है और किधर को लेके जाना है, सब पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इन पर यकीन मत करना, ये अभी आपको लॉलीपॉप देंगे, अभी सरकारें जो हैं आपको लॉलीपॉप देंगी, क्योंकि इलेक्शन का महीना आ गया भाई साहब, इलेक्शन के 3-4 महीने आ गए, बस ये लॉलीपॉप देने वाले महीने होते हैं। ये वो वाली बात है जैसे अभी 200 रुपए का सिलेंडर कम कर दिया ना, ये नहीं बताया कि बढ़ाया कितना था, ये बता रहे हैं कि काम कितना किया। एक किसी घर में शादी थी लड़की की, बहुत अच्छे जिम्मेदार थे,
अच्छा पैसा था उनके पास, उन्होंने कहा शादी बड़ी करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ा लड़की के लिए सामान इकट्ठा किया, बहुत आलिशान बेड, अलमारियां, टीवी, सोना, जितना भी बर्तन कि बेटी को देने हैं अभी शादी में। एक रात पहले, अगले दिन बारात आनी थी, एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में बहुत माल पड़ा है। डाकू आए, ट्रक लेके आए साथ में, भाई साहब लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद कर लिया, बाहर से कुंडी लगा दी, सारा सामान ट्रक में भर लिया। ट्रक में भरने के बाद डाकुओं के सरदार ने डाकुओं से पूछा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है? वो कहते जी इस कमरे में बंद है। उस कमरे का दरवाजा खोला तो डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? वो बेचारी डरती डरती उठी, जी मेरी शादी है। डाकू ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकाला, उसको दिया, कहते बेटा आशीर्वाद देने आए थे, खुश रहो। भाई साहब अगले दिन पुलिस आ गई, कोई भी लड़की के परिवार का मेंबर डाकुओं के खिलाफ FIR लिखवाने को तैयार नहीं हुआ। कहते घर भाई लूट के ले गए, लेकिन बंदे बहुत अच्छे थे, हमारी बेटी को 100 रुपया शगन दे गए। भाई साहब ये हो रहा है भाई साहब आपके साथ, 4.5 साल आपको लूटते हैं और आखिरी 2-4 महीने में आपको शगन देते हैं, खुश रहो आशीर्वाद देते हैं। बस ये बात याद रख लेना, ये बात याद रख लेना। तो जहां गारंटियों की बात आती है वहां केजरीवाल का नाम आता है। अब तो दूसरी पार्टियां भी हमारी तरह गारंटियां कहने लगे हैं, गारंटियां। तो गारंटी का मतलब हमारे वाली जो गारंटी है ना वो पक्की गारंटी है, क्योंकि हम 2 स्टेट में करके आए हैं। दिल्ली आपके बिल्कुल बगल में, वहां से पूछ लेना, और पंजाब आपके उधर मेरे साइड गंगानगर हनुमान साइड पे है, हनुमानगढ़ साइड पे है, वहां से पूछ लेना। पंजाब के लोग यहां बैठे हैं, इनसे पूछ लेना कि हम वो ही काम कर रहे हैं जो पब्लिक के हित का हो। 1 रुपया भी किसी ने पंजाब के खजाने का लूटा पिछले समय में या आज के समय में, कोई हमदर्दी नहीं है। भाई साहब चाहे हमारा सगा हो, हम उसको उठा के जेल में फेंकते हैं, हमारी पार्टी का हो। यही तो सीखा है अरविंद केजरीवाल जी से, एंटी करप्शन मूवमेंट से निकले हैं, रामलीला ग्राउंड से एंटी करप्शन मूवमेंट से पार्टी निकली है। और पार्टी क्या है, 27 साल के 28 साल के 30 साल के पंजाब में MLA मंत्री हैं, जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हम भी राजनीति में आ सकते हैं। ये पैसे वालों का खेल मानते थे, लेकिन एक आम आदमी पार्टी है जो एक वॉलंटियर जो काम कर रहा है उसको ऐसे उठा के ले आती है, आजा भाई MLA बनाते हैं, आजा भाई तुझे मंत्री बनाते हैं। मैं एग्जाम्पल हूँ, मैं एक टीचर का बेटा हूँ, मैं कलाकार था, फेमस था, लेकिन दिल में कुछ था कि देश के लिए कुछ करना है। कलाकारी में भी मैं व्यंग भी सिस्टम पर ही करता था, लेकिन मुझे उठा के इस लेवल पे मुख्यमंत्री पद पर पहुंचा दिया एक आम गांव से निकले हुए एक लड़के को, ये आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी कर सकते हैं। दूसरी पार्टियों में तो भाई साहब बारी नहीं आती, दूसरी पार्टियां कहती जरूर हैं युवाओं को सक्रिय राजनीति में आना चाहिए। भाई साहब आना चाहते हैं, दरवाजा कौन सा खुला है? जवानी इनके बेटों पर ही आती है, हमारी तो बचपन से सीधी बुढ़ापे में एंट्री होती है, बस जवान यही होते हैं, यूथ के प्रधान यही हैं बस सारे। तो इसीलिए बाहर निकलो, हमने क्या लेना है ये बात छोड़ दो। अगर शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय जैसे शहीद वो योद्धे अगर सोच लेते हमने क्या लेना अंग्रेजों से, चलते रहो क्या कोई बात नहीं, तो फिर भाई साहब ये देश आजाद ना होता। इसलिए ये कह के निकलो कि हाँ हमने इनसे हिसाब लेना है, 70 साल का 75 साल का हिसाब लेना है। ये बात बोल के निकलोगे भगवान आपका साथ देगा। दोनों हाथ ऊपर उठाकर दो नारे लगा दो, इनकलाब इनकलाब, भारत माता की, भारत माता की, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी, आपने इतने प्यार सत्कार से मुझे सुना। जीते रहो, खुश रहो, धन्यवाद।